भोपाल पिछले 3 दशक में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में तब्दील हो गया है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दल इसे हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार राज्य की राजधानी में 7 में से 3 सीटें जीतकर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था। भोपाल जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 शहर के भीतर हैं, भोपाल दक्षिण, पश्चिम, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य और नरेला शहरी सीटें हैं। हुजूर और गोविंदपुरा को अर्ध शहरी और बैरसिया को ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। भाजपा ने 2018 में जिले में 5 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने भाजपा से 2 सीटें भोपाल मध्य और भोपाल दक्षिण पश्चिम छीनकर 3 सीटों पर विजय हासिल की थी। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले भोपाल उत्तर में इस बार दिलचस्प सियासी जंग देखने को मिल रही है। यह 1990 के बाद पहला चुनाव है जब 6 बार के विधायक आरिफ अकील स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनकी जगह उनके बेटे आतिफ अकील को मैदान में उतारा है। मसूद इस बार भाजपा के ध्रुव नारायण सिंह के खिलाफ मैदान में है, जो 2008 में इस निर्वाचन क्षेत्र के अस्तित्व में आने के बाद इससे चुने जाने वाले पहले विधायक थे। भाजपा नेता और राज्य में मंत्री विश्वास सारंग नरेला सीट से अब तक अपराजित रहे। यह सीट भी 2008 में बनाई गई थी। कांग्रेस ने इस सीट से एक नए चेहरे मनोज शुक्ला को मैदान में उतारा है, जबकि आपने रायसा मलिक को इस सीट से टिकट दी है। पिछले कुछ महीने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय लोगों को भोपाल के इतिहास को याद दिलाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि अंतिम हिंदू शासक गोंड की रानी कमलापति के साम्राज्य को अफगान सेनापति दोस्त मोहम्मद खान ने धोखे से हड़प लिया था और खान के वंशज ने भोपाल रियासत पर शासन किया। चौहान ने अपने भाषणों में जिक्र किया कि रानी कमलापति ने युद्ध के दौरान अपना सम्मान बचाने के लिए जलजौहर किया था। नवीनीकरण के बाद भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया था।